मंत्री अर्जुन मुंडा बुंडू के मानसरोवर होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं और मंडल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्र सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा दिवस के रूप में मना रही है। कोरोना से आमजनों के जीवन बचाने के लिए देश के वैज्ञानिकों से वैक्सीन तैयार कराया गया, जिसे विपक्ष ने मुद्दा बनाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष ने लोगों को ऐसा गुमराह कर दिया कि देश का एक समूह वैक्सीनेशन के खिलाफ हो गया, जिसका नतीजा है कि लोगों में कोरोना का खौफ और बढ़ती मौत। इसका कारण भी विपक्ष है, ना कि सरकार। बुंडू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बातें कही। अर्जुन मुंडा ने कहा कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था और पूरे देश की जनता ने स्पष्ट जनादेश देकर भाजपा को सत्ता पर बैठाया। सेवा के कई कार्य पंचायत स्तर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। विपक्षी बहुत समय आलोचना के राजनीति करके देश को जहां संगठित रूप से ऐसे महामारी से कैसे निकालें, इसके बजाय उलझाने का काम किया। इस बार भी कोविड 19 के जो सेकेंड वायरस आए, इस वायरस के समय में माननीय प्रधानमंत्री ने देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बात कहा कि हर राज्य को अपनी अपनी तैयारी करना चाहिए। बाद में स्थानीय पत्रकारों से बातचीत करते हुए यास चक्रवात में ध्वस्त हराडी बुढ़ाडी पुल के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वह पुल निर्माण कराने वाले संवेदक इंजीनियर से सवाल करे कि पुल का डिजाइन किसने किया है, किसने पास किया है, यह सब देखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। आज लोगों में गुणवत्ता को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा है, उसे राज्य सरकार दूर करे और कहे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, साथ ही संबंधित संवेदक और इंजीनियरों को दंडित करे। आपको यह ज्ञात होगा कि बहुत सारे जिला अस्पताल में, सदर अस्पताल में देश के प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड के माध्यम से आधारभूत संरचना खड़ी हो, उन सारे चीजों के लिए वेंटिलेटर हर अस्पताल को उपलब्ध कराया, लेकिन झारखंड जैसे राज्य में उन सारे उपकरण का उपयोग सही ढंग से कैसे हो, इसलिए कोई काम नहीं होने के कारण अधिकतर सदर अस्पताल में वेंटिलेटर की जो व्यवस्था खड़ी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। अब कम से कम आलोचना के माध्यम से नहीं, बल्कि इससे सबक लेकर के ऐसे आधारभूत संरचना को हम और बेहतर ढंग से कैसे कर सके, यह सुनिश्चित करने का काम राज्य सरकार के साथ साथ निश्चित रूप से सामाजिक संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो अपने कार्य में लगे हुए हैं। एवरी वेलकम, यू've नेवर नोन, वेलकम टू अ जर्नी यू've नेवर इमेजिनड, वेलकम टू अरेबिया सऊदी। दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।